हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई एक नई संस्था है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर रखा गया है। ठीक, योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था लाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 में लाल किले से संबोधन में की थी। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो। नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष शामिल रहता है, उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद, विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल रहते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो नरेंद्र मोदी हैं, अभी भी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। CEO भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम CEO थे सिंधु श्री कुल्लर थे, और पूर्णकालिक सदस्य की संख्या 5 रहती है इसमें, जिसे राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 रहती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। शासी परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग के क्रियान्वयन में का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद NDC देता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, और नीति आयोग के वर्तमान CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के वर्तमान पूर्णकालिक सदस्य हैं रमेश चंद, BK सरस्वत, विवेक देवराय, डॉक्टर BK पॉल। चलिए, इस लेक्चर में हमने देख लिया नीति आयोग से संबंधित। इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं।